कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीएफए. कॉम्प्लीमेंटेशन वर्क्स ऑन डीएफएस बट नॉट ऑन एनएफएस. ठीक है, अभी जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में क्या किया था कि जो कॉम्प्लीमेंट्स थे वो किस तरह से ड्रॉ किए थे, उसको हम थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, ओके. जो आप अभी जितनी भी प्रॉब्लम मैं इसमें डिस्कस करूंगी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आपको डिटेल में देखनी है तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं. ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ इज इवन. वो स्ट्रिंग जिनकी लेंथ इवन है उसके लिए हमने अलग ड्रॉ किया था, और जो स्ट्रिंग लेंथ ऑड थी उसके लिए हमने अलग ड्रॉ किया था. ठीक है, उन दोनों का डीएफए अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, ये दोनों डीएफए कंस्ट्रक्ट किए थे हमने, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जो ए स्टेट है वो फाइनल स्टेट है फर्स्ट इवन के केस में, और ऑड के केस में बी फाइनल स्टेट है. तो अगर इन दोनों का अगर हम इनको देखें तो इसमें क्या है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. कैसे कॉम्प्लीमेंट है, कि जो इसमें फाइनल स्टेट है वो दूसरे में नॉन फाइनल स्टेट है, और जो इस दूसरे में फाइनल स्टेट है वो फर्स्ट में नॉन फाइनल स्टेट है. ठीक है, तो ये दोनों हम क्या बोल रहे हैं, इन दोनों को ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखते हैं. स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए एंड स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद बी और नॉट स्टार्टिंग विद ए. ठीक है, हम सिर्फ सेकंड जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है उसमें ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग विद बी और नॉट स्टार्टिंग विद ए. ठीक है, ओके. फर्स्ट के केस में ये डायग्राम बना है, सेकेंड के केस में हमारा ये डीएफए कंस्ट्रक्ट हुआ है. ठीक है, तो जो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, सेम चीज है कि जो ए फाइनल स्टेट है किसमें, सेकेंड वाले में, और सी भी फाइनल स्टेट है. अगर फर्स्ट वाले को देखें वो दोनों नॉन फाइनल स्टेट हैं. फर्स्ट वाले में बी फाइनल स्टेट है तो सेकेंड वाले में बी नॉन फाइनल स्टेट है. ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. इफ इज दैट फाइनल स्टेट एज नॉन फाइनल स्टेट एंड नॉन फाइनल स्टेट एज फाइनल स्टेट देन इट एक्ट एज कॉम्प्लीमेंट. इट इज एप्लीकेबल ऑन डीएफएज ओनली. ठीक है, और फर्दर अगर हम इनके जो हमने टपल बनाए थे स्टार्टिंग में, हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कंपेयर किया था. ठीक है, अगर इन दोनों के टपल जो है उनको कंपेयर करें वो क्या होंगे, क्यू सिग्मा क्यू नॉट एफ लैम्डा. अब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, क्यू सिग्मा क्यू नॉट क्यू माइनस एफ एंड लैम्डा. ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो फाइनल स्टेट है, एफ का मतलब क्या है, यहां पर फर्स्ट वाले में देखिए एफ का मतलब है फाइनल स्टेट, दूसरे में फाइनल स्टेट हमें क्या दिखाई है, क्यू माइनस एफ. क्यू क्या होते हैं, क्यू सारी की सारी जितनी भी स्टेट्स हमने डीएफए में कंस्ट्रक्ट किए हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर डीएफए कंस्ट्रक्ट किया उसमें जितनी भी स्टेट्स हैं वो क्यू होती हैं. ठीक है, सेकंड में कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी स्टेट्स थी उसमें से फाइनल स्टेट माइनस कर दी, और वो क्या बन गया है, कॉम्प्लीमेंट बन गया है. ओके,